अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना 50वां अधिवेशन मना रहा है। 3 दिवसीय इस अधिवेशन के दूसरे दिन एबीवीपी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा इंडोर स्टेडियम से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ब्राह्मण पारा पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर से पहुंचे करीब 1000 एबीवीपी कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस अवसर पर खुला अधिवेशन का भी आयोजन किया गया था। इस खुले अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम काजों की चर्चा की गई, साथ ही लोगों को बताया गया कि किस तरह से एबीवीपी विद्यार्थियों के हित में काम करते हैं। खुला अधिवेशन में विद्यार्थियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष मंडावी ने बताया कि अधिवेशन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जाएगी, साथ ही आगे के कार्यों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। शोभा यात्रा हमारा 3 दिन 21, 22, 23 को 3 दिवसीय हमारा यहाँ पे अधिवेशन हो रहा है रायपुर शहर में, और आज उसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में हम शहर को दिखाने के लिए कि हम क्या काम करते हैं, इन विषयों पर पूरा चर्चा हुई है, और कल भी चर्चा होगी, हमारी भाषण सत्र है। और यहाँ पे 700 संख्या की हमारे पूरे प्रदेश से यहाँ पे सभी जिलों से विद्यार्थी आए हैं, और यहाँ आज शोभा यात्रा में सभी चुनिंदे महाविद्यालयों या फिर हमारे विद्यालयों से भी हमारे विद्यार्थी शामिल इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। 21 से 23 जो हमारा जो जनवरी है वो विवेकानंद से सुभाष चंद्र बोस यात्रा है, इस निमित्त यह हमारा शोभा यात्रा का नाम दिया गया है। और इस तरह हमारा शोभा यात्रा वहाँ पे जो कंकाली जो चौक है वहाँ पे समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिपर 28 रायपुर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर क्लिपर 28।